इतना ज़्यादा प्यार यहाँ पर। ये देखो टैटू की बच्ची ने बनवाया हुआ है इन प्यारे से रॉड्स की वजह से, प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है मैरी, और ये है कीवी। और जगदीप पाजी आए हैं फतेहगढ़ से। इनकी यार वही एक खासियत फिर से बता रहा हूँ, जो टंग का कलर होता है वो थोड़ा सा पर्पल होता है। गाइस पवित्र पाजी आए हैं आपके सामने सेंट बर्नार्ड लेकर। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल सभी मेरे व्यूअर्स को, स्वागत है एक बार फिर से इस नई वीडियो में जो कि इस सीज़न की पहली वीडियो है राजपुरा डॉग शो में। इस बार यार दोस्तों कोशिश करेंगे कि कुछ नया, कुछ डिफरेंट यूनिक आपको आपके सामने पेश करें, और मतलब सब तरह की आपको डॉग ब्रीड्स जो यहाँ पर आती हैं वो दिखाई जाएंगी। मज़ेदार वीडियो होने वाली है, और लाइक कर दिया करो यार, शेयर कमेंट करना भी मतलब आपको पता ही है, उसी के साथ ही चलता है यार सब कुछ। और सीधा अब आपको दिखाते हैं राजपुरा डॉग शो में कौन से डॉग्स आए। इतना ज़्यादा प्यार यहाँ पर, ये देखो टैटू की पाजी ने बनवाया हुआ है इन प्यारे से रॉड्स की वजह से, तो मतलब ये पता लगता ही है यार कितना प्यार लोगों को मतलब दे रहे हैं डॉग्स को यार, अमेजिंग यार। सत श्रीकाल मेरे, क्या हाल चाल है मेरे, कितों है यार? लुधियाना से गाइस भैया लेकर आया, देखो आपके सामने रॉटवाइलर। यार रॉटवाइलर इस सीजन का आपको पहला रॉटवाइलर दिखाया जा रहा है। पाजी एक इसको खड़ा करके दिखाओ यार, आप देख सकते हो इसका जो बोन वगैरह है यार, वो मसल है बहुत ही यार अमेजिंग और अच्छी क्वालिटी है। और एक यहाँ पर भी ये भी पाजी आपका ही है? हाँ जी हाँ। अच्छा ये भी इनका ही है। और कितने टाइम का भैया ये? ये 1.5 साल का जी, 1.5 ईयर। और आप देख सकते हो यार क्वालिटी चेक कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग रॉट यार। मतलब ऐसे होते हैं बहुत, अगर इनको मतलब नहीं सिखाया जाए तो थोड़ा सा एग्रेशन शो करते हैं, वरना ये बहुत फ्रेंडली होते हैं। तो पाजी कैसा एक्सपीरियंस है आपका रॉट के साथ? बहुत बढ़िया ही। और कितने टाइम से रॉट में काम कर रहे हो आप? तकरीबन 5-6 साल से। 5-6 साल से। और कैनल में कितने रॉट्स हैं आपके पास? 6-7 हैं। अच्छा 6-7 रॉट्स हैं। और पपीज वगैरह भी अवेलेबल होते हैं भैया आपके पास? किस रेंज में आ जाते हैं पपीज? 20,000 से स्टार्टिंग हो जाती है विदाउट पेपर। विद पेपर भी वैसे मिल जाते हैं। हाँ जी विद पेपर। और पाजी थोड़ा सा व्यूज को यार ये बताओ, जैसे मतलब आपने रॉट में काम शुरू किया है ना, क्या सोच के क्या ख्याल आया मतलब आपके मन में कि यार, जैसे थोड़ी बड़ी ब्रीड भी है ना, थोड़े ध्यान भी रखना पड़ता है इनका, तो क्या आपके मन में आया यार? बचपन से ही शौक था इस ब्रीड का, पहले हमारे पास डॉग था एक, उससे ही चल पड़ा शौक, फिर करते गए। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी यहाँ पे आपको रॉट की दिखाई जा रही है। और पाजी अगर किसी ने पपीज वगैरह लेने हो तो एक बार अपना नंबर शेयर कर दो। 8837656554। और लोकेशन आपकी? लुधियाना गिल विलेज। गाइस मीट दिस प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है मैरी, और ये है कीवी। और जगदीप पाजी आए हैं फतेहगढ़ से। पाजी फतेहगढ़ से आए हैं यार, देख सकते हो आप ग्रेट डेन्स ले, बहुत ही अमेजिंग इनका जो कोट है वो आ चुका है। ये 1.5 ईयर की पाजी, और ये 9 मंथ, ये भी 9 मंथ्स की है गाइस। कभी थोड़ी सी मतलब ये फर्स्ट टाइम बाहर निकाली होगी, नर्वस है, थोड़ी सी नर्वस है। और ये देख सकते हैं बहुत ही, ये पहले ये हमारी मैरी है ना, वन टाइम पीओपी है। अच्छा ये वन टाइम पीओपी है। और पाजी आपके कैनल में कितने ग्रेट डेन्स हैं? ग्रेट डेन हमारे पास अभी 4 हैं। 4 हमारे पास स्टार्ट है, एक बच्चा है इसका, इसका भाई है, इसका रियल ब्रदर है। बहुत ही प्यारे यार ग्रेट डेन्स, मैं बता दूं मतलब दिखने में ऐसे थोड़े बड़े लगते हैं पर बिल्कुल भी मतलब एग्रेशन नहीं होता, क्यों पाजी सही बोल रहा हूँ ना, एग्रेशन जीरो। पर ये है कि यार अगर कोई घर पे आ रहा है तो गार्डिंग के लिए तो यूज करने ही पड़ते हैं। फिर पाजी इनकी डाइट वाइट क्या रहती है यार, जैसे थोड़ी बड़ी डॉग ब्रीड्स है तो? जैसे पहले भी हम फीड डालते थे, अभी हम इनको चिकन डालते हैं, मौसम सही हो गया ना, अभी थोड़ा सर्दी में रहता, सर्दी में रहता तो चिकन डालते हैं। पाजी अगर इनके पपीज वगैरह लेने हैं तो मतलब अवेलेबल होगा क्या? प्राइसिंग क्या रहती है? प्राइस अभी इसका की लाइन का ना हमारे पास फीमेल है, एज अभी 5 मंथ की है, 60-65 के थोड़ा सा और नेगोशिएट हो जाएगा मेरे चैनल के थ्रू आता है, हो जाएगा जी। प्यारे यहाँ पे ग्रेट डेन्स अगर किसी ने लेने हो तो पाजी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए हमारा 7008-01554। पाजी यहाँ पर लेकर आए हैं, पाजी और भी हैं या ये तीन ही? तीन ही यार, बहुत सेल हो गए, बाकी सेल हो गए, बहुत ही प्यारे। कौन सा कलर आ जाता है ये? मरले है, ब्लू मरले जैसे कलर ट्राई है। कलर है ना ये, एक ब्लू कलर है, ये एक ब्राउन है, ये व्हाइट है, एक व्हाइट है। ऑलराइट यार, अब हमारे तीनों पपीज है ना, तीनों के कलर है ट्राई है। ऑलराइट कितने टाइम के हैं ये?
ये अभी दो मंथ के हो गए। टू मंथ्स के यार आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी क्वालिटी यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। इंग्लिश बुलडॉग्स की यार किस रेंज में है भाजी? ये फीमेल है। फीमेल है, ये 1 लाख की है। ये 1 लाख की है और विद पेपर्स है। पेपर साथ पेपर, में पेपर, पेपर, पेपर है। और ये वाले ये 80,000 ये 80,000 जो ये कलर है ना मरले ब्लू मरले रेयर है, इसकी डिमांडिंग ज्यादा है। ऑलराइट रेयर कलर है ये। क्या बात है, ब्राउन मरले मिल जाता है, चौगड़ मरले मिल जाता है, ये ब्लू मरले। एक बार पाजी नंबर फिर से शेयर कर दो। नंबर मेरा 7009801554। सी गाइस आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर दो टेडी बियर जिनको हम बोलते हैं चाओ चाओ। और पाजी कहाँ से आए हो आप? खन्ना से। खन्ना से लेकर आए हैं यार चाओ। पाजी मेल है फीमेल है? दोनों मेल है। कितने टाइम के हैं ये? 9 मंथ्स ये 3 इयर्स। और आज इनको रिंग में लगाना है? अच्छा रिंग में लगाना है। बहुत ही प्यारी क्वालिटी। कलर कौन सा आता है पाजी ये वाला? ये क्रीम कलर। ऑफ व्हाइट में, ये क्रीम में, ये ऑफ व्हाइट में। ऑल राइट, तो आपके पास पाजी कितने चाओज हैं? हमारे पास तो इस टाइम यही है। और कैनल में? कैनल में तो कैनल में बहुत सारे हैं। अच्छा चाओ बहुत सारे हैं। और कैसा पाजी इनका टेम्परमेंट कैसा रहता है भाई? रखने पे है, जैसे थोड़ा सा ऐसा एसी पे रहते हैं ये तो। ऑल राइट, तो उसकी वजह से तो इनका टेम्परमेंट जो कूल ही होगा, है ना? इनकी यार वही एक खासियत फिर से बता रहा हूँ, जो टंग का कलर होता है वो थोड़ा सा पर्पल होता है, जो कि मतलब बताता है कि हाँ यार ये इनकी ओरिजिनलिटी बताता है। और बहुत ही प्यारे यार यहाँ पर चाओस। चाओस के अगर पाजी पपीज लेने हो तो कितने में अवेलेबल हो जाते हैं? भाई हमारे पास 15,000 से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ क्वालिटी पे डिपेंड करता है? एग्जैक्टली क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और लोकेशन है आपकी? यहीं पर खन्ना। लोकेशन खन्ना है। और बहुत ही प्यारे चाओस, अगर किसी ने लेने हो तो पाजी एक बार अपना नंबर शेयर कर दो। 6280038730। गाइस पवित्र पाजी आए हैं आपके सामने सैंड बर्नार्ड लेकर और फतेहगढ़ से आए हैं। पाजी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। परचेज यार आप चेक कर सकते हैं, ये वाला जो कलर है ना ये देखो ज़्यादा वाइट में आ जाता है और ये थोड़ा ब्राउन में है। तो पाजी इनका आपस में भी कोई रिलेशन है? अच्छा इनका कोई लॉन्ग कोट में और ये स्मूथ कोट में बोलते हैं यार। जो सैंड बर्नार्ड है पाजी आपके पास टोटल कितने हैं? कहने 7 से 8 डॉग्स हैं यार। आप देख सकते हो इस क्वालिटी के आपको सैंड बर्नार्ड्स मिलने वाले हैं पाजी के कैनल में। तो पाजी कितना टाइम हो गया आपको काम शुरू किए बर्नार्ड का? पहले मेरे फादर करते थे, अब मैं कर रहा हूँ। ओके तो मतलब रफली कितना 2002 से गए, मतलब 20-22 साल हो चुके हैं। और एक बार पाजी क्वालिटी चेक कराइए इसकी यार, कितने साल का ये? ये अभी 15 मंथ की फीमेल है। अच्छा ये फीमेल है और ये मेल है? ये मेल है यार और ये फीमेल है 15 मंथ्स की। तो पाजी जैसे 15 मंथ्स की हो चुकी है ये, इसकी डाइट वगैरह क्या है? एक टाइम चिकन एक टाइम पनीर। मतलब चिकन तो देना ही पड़ता है। और गर्मियों में अगर हम गर्मियों की बात करें तब भी चिकन देना पड़ता है या कुछ दही वगैरह में भी? हाँ ब्रीड वास्ते चिकन है, चिकन जरूरी है यार, बड़ी ब्रीड है। तो इसका वेट कितना हो जाता है भाई? वेट मैक्सिमम 70-80 केजीज। और आज आप इसको शो करने के लिए लाए हो? शो कर। चलो यार मैं आपको मतलब पहले से ही ऑल दी बेस्ट बोल देता हूँ। अभी वैसे शुरू नहीं हुआ क्योंकि गर्मी है, थोड़ा लेट शुरू होता है। बहुत ही प्यारे यार पाजी के पास डॉग्स हैं। और पाजी अगर पपीज वगैरह लेने तो अवेलेबल हो जाते हैं आपके पास? कितनी मतलब प्राइसिंग क्या रहती है? विदाउट पेपर? विद पेपर मिल जाते हैं यार, ये ऐसी क्वालिटी के अगर किसी ने ले लो बर्नार्ड तो पाजी का नंबर। और पाजी एक बार नंबर शेयर कर दो और लोकेशन भी बता दें। 7087920553। गाइस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे यार गद्दी मिला है हमें। गद्दी ब्रीड तो यार कोई मतलब कौन नहीं जानता, इंडियन डॉग ब्रीड्स है। और पाजी का भी यार इतना नाम है गद्दी में एज वेल एज तिब्बतन मैस्टिफ में। और आप यार हाइट जो है, सबसे पहले इसकी हाइट दिखाते हैं पाजी एक बार इसको। आप ये चेक कर सकते हैं यार, इसकी हाइट चेक कीजिए यार, अमेजिंग क्वालिटी में यहाँ पर। और जो इसका नाम है यार वो भी अमेजिंग है, हिटलर इसका नाम है। पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस में इसको कवर किया है। तो पाजी एक बार आपका भी स्वागत है फिर से हमारी वीडियो में। और पाजी कैसा चल रहा है आपका? सब बहुत बढ़िया जी, स्टार्टिंग का पहला शो है जी। एक हो गए अपना 1.5 साल, ये बच्चा जी सेकेंड आप देख सकते हो यार। ये पाजी बोल रहे हैं कि बच्चा है ये बच्चा कहाँ यार भाई इतना। इसकी भी हाइट पूरी प्रॉपर आ चुकी है। और हिटलर की पाजी जो बात करते हैं, इसकी हाइट कितनी है? इसकी भाई साहब 32.5 है जी, 32.5 इंच है जी इसकी। 2.5 इसकी हाइट हो चुकी है और 1.5 साल का सिर्फ। बहुत ही प्यारा और अमेजिंग। और ये कलर कौन सा भाजी है? इन मेरे ब्राउन क्या है जी, वैसे ब्राउन से ब्लैक शेड का पंजाब में ना यार। गाइस पाजी का नाम है और मैं खुद गया हूँ पाजी के वहाँ पे। इतना मतलब
सब कुछ बहुत बढ़िया वेल मेंटेन्ड है और बहुत सारे डॉग्स हैं। एट प्रेजेंट कितने डॉग्स हैं भाई? 14 तो घर पे है, मतलब टोटल अपने पास 30-35 डॉग हैं। 14 ऑन द स्पॉट एक चैनल पे आपको मिलेंगे। ऑलराइट यार, 14 डॉग्स, वो भी गद्दी जैसे डॉग रखने बहुत मतलब टफ रहते हैं हमारे जैसा, तो यार मतलब एक रखना मत। पर ये यार अगर प्यार करते हो ना तो गद्दी इतना प्यार करेगा, इतना प्यार मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन डॉग ब्रीड है तो जो ब्लड होता है ना वो थोड़ा सा कोल्ड तो रहता ही है। क्यों भाई? इसके अलावा अपने पास सिस्टम टीएम है जी, 4 टीएम है, चारों के चारों जो इंडिया की सबसे 4 बेस्ट लाइन है उनके हैं, जो कि इम्पोर्ट, चारों की चारों इम्पोर्ट ब्लड लाइन है और काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अगर आप किसी को मीटिंग या बच्चा कुछ भी चाहिए गद्दी के रिगार्डिंग टीएम और तीसरा बकरवाट, तो मोस्ट वेलकम, हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो आप। गाइस, आप लोग बोलते हैं यार कि कौन से कैनल में जाना चाहिए अगर गद्दी लेना है, टीएम लेना है, तो मैं प्रेफर करूँगा पाजी का जो कैनल है। पाजी, एक बार कैनल का नाम और अपना नंबर शेयर कर दो जी। बकरवाल डॉग कैनल आप गूगल पे, इंस्टाग्राम कहीं भी सर्च करोगे, यूट्यूब वगैरह पे आपको मिलेगा, बकरवाल डॉग कैनल आप सर्च कर दो। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है जी 8727230023, बाकी बकरवाल डॉग कैनल आप सर्च करोगे और मतलब आप कहीं भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। कैमरामैन भी गाइस आप देख लो, जो कैमरा के बैकएंड पे रहती हैं वो ये मैडम है अनुतुष, मतलब अनु और तुष इसी के नाम से जो हमारा चैनल है। मतलब लोग बोलते हैं भाई, मेरे को ही बोल देते हैं कि अनुतुष अनुतुष भाई, ये अनु है, मैं तुष हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये कैमरा मतलब कंट्रोल करती है मैडम। तो यार उम्मीद करता हूँ जो भी आपको वीडियोस दिखाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि यार उन लोगों तक तो पहुँचाओ कम से कम जो कि पेट फ्रेंडली होते हैं लोग, और जिनको पता नहीं है कि यार डॉग शोज़ हमारे पंजाब में विंटर्स में, विंटर्स की स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं और हर वीकेंड होते हैं, और किसी ने आना होता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी और यूट्यूब पे भी दोनों पे बताता हूँ कि यार कहाँ कहाँ जो है नेक्स्ट डॉग शो होने वाला है। तो अगले डॉग शो में अब आपको मिलते हैं, तब तक आप प्यार बनाए रखिए, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।